सर जब हम लोग आपका प्रॉफिट सब देखते हैं सर ना, तो सबको यही फील करते हैं वो प्रॉफिट, वो डिस्प्ले कब आपने फोन कब आएगा सर, जल्दी जल्दी आ जाएगा वो ये सबकी दिली ख्वाहिश है सर। सर हम तो जिस दिन लाला राम बड़ा पॉजिटिव आदमी है भाई, तो हाँ तेरे जैसा पॉजिटिव मैंने नहीं देखा। एक बात और बोलना चाहूँगा सर। हाँ जी। अभी जब अपन सब लोग सुबह से ट्रेड लगा रहे थे तो लगातार कुछ दो तीन ऐसे चले गए सबके, और सभी लोग थोड़ा सा नए स्टूडेंट तो जरूर सर सर यहाँ आके थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, मगर जो जो अभी एसएल जो गया था उसके बाद भी सर के पास जो कॉन्फिडेंस था, सर ने जो बोला था कि उसका जो आप बफर अभी बफर लगा के रखो, टेंशन मत लो, मतलब ऐसा जो कॉन्फिडेंस जिस दिन हमारे अंदर आ गया कि हमारा फॉर्मूला सही है, उसके ऊपर हमारा पूरा विश्वास हो गया कि हमारा फॉर्मूला सही है, तो उस दिन हमारे लिए इस मार्केट से इतना पैसा मिलेगा कि कोई उसकी कोई सीमा नहीं है, कभी ये मार्केट अपना पैसा नहीं ले सकता अब। तो सर थैंक यू। हम पैसे है ना, बड़ा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। सर आज मैंने मेरा अभी लगभग प्रॉफिट 283,000 चालू है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं सर, बैठिए 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 सर। अच्छा ये मेरा मेरा यार ऐसे 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 मजाक में क्या करो भाई, ये मेरा पहले सुन तो लो, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। इसलिए मैंने सर को बैठने को कहा, ये मेरा मतलब जो ऐप रहता है ना दूसरा, उस ऐप लेकिन इसमें होल्डिंग का मैंने बहुत ये किया, लेकिन हो गया। पहले पेशेंस से मैंने ये मेरा पहले से जज्बा रहता है कि मैं 36 लॉट बाय करता हूँ, तो उस पर अभी वो प्रॉफिट चल रहा है, तो पेशेंस की वजह से ये चल रहा है। लेकिन मेरे ओरिजिनल अकाउंट में मेरे सर ने जो रूल बताए, एक ही लॉट लिया, सर के रूल को मैंने फॉलो किया, तो उसका भी प्रॉफिट चल रहा है लगभग 4,000। ओरिजिनल अकाउंट में चल रहा है? हाँ ओरिजिनल अकाउंट में। हाँ ओरिजिनल अकाउंट वो 4 चल रहा है। हाँ बाकी नकली वाले में 2,00,000। हाँ 2,00,000 का सीएस। तो 4,000 रुपये वाला दिखाना वहाँ स्क्रीन पे, दिखाना मोबाइल। आप छा जाओगे आज महाराष्ट्र में, जालना में। 2,00,000 छा दिए सर आज भी। आज नहीं, मैं ओरिजिनल अकाउंट में करने वाला था, क्योंकि अभी मुझे 30 तारीख को लगभग 8 से 10 लाख देने हैं, तो मैं करने वाला था, लेकिन गुरु जी का नियम यहाँ आए तो फॉलो करना पड़ेगा। देखो भाई आज जो बाजार चला, तो आज बाजार इसलिए चला क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ था, इस बात को समझ लेना। मैं जब आपके पास नहीं बैठा हूँ तो आपको बड़ी टेंशन होगी, आप पोजीशन को निकाल के बैठ जाओगे, शाम को कहोगे सर मेरा नुकसान हो गया। ठीक है, आज तो मैं आपको बोल के बैठा हुआ था, इसको कर लो, रख लो, अभी आ जाएगा, शाम को देखें, शाम को बताएंगे ना, अभी तो पूरा बाजार बाकी है, ये बोला था ना, इसलिए बोला था, मुझे पता था इसने कवरिंग देनी है। लेकिन जब मैं नहीं होगा तो क्या करोगे? अपना मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग रख के, बुद्धि को एकदम भगवान से ये प्रार्थना करो कि जो मैं सीख रहा हूँ उस पर मैं कायम रहूँ, वही मैं ट्रेड लेता रहूँ, उसके अलावा कोई ट्रेड ना लूँ, बस ये प्रार्थना करना। और सुबह प्राणायाम करके ज़रूर बैठो, प्राणायाम करोगे तो माइंड आपका एकदम स्टेबल रहेगा। ठीक है, ये काम करना, एंड ऑफ द डे चाहे आपका नुकसान कितना ही हो, एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। कैसे मैं, हाँ जी हाँ जी, आप बोल रहे हैं एंड ऑफ डे प्रॉफिट हो जाएगा, और दूसरे जो ट्रेडर हैं वो बोल रहे हैं एंड ऑफ मंथ आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो फिर सर मतलब ये वा आप खुशी रोज दोगे, वो महीने में खुशी एक बार, एक बार सीधा सा बंदा है। इधर दिवाली हर दिन होगी, दो साल में एक बार होगी। काफी कहा था, मुझे बात याद है कि देख भाऊ टेढ़ा की लाइफ में कोई होली दिवाली नहीं होती है, उसने होली भी नहीं सकता है, अपन लोग तो जिसने बड़ा प्रॉफिट आया उसने हर दिन होली है, ऐसा ही होगा। प्रॉफिट 3,00,000 होगा।
आपका साजी अच्छा दूसरा वाला अधिकार है। अब देखिए नुकसान आपका था, हमारा फॉर्मूला हमने थोड़ी जल्दबाजी करी है, जो जल्दबाजी करेगा उसके साथ यही होगा। अब ये देखिए ये चल रहा, ये नेट में ये 280 क्यों चल रहा है, ये कोई समझा सकता है क्या? इधर तो आ रहा है 384,000। ये देखिए ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये 288,000 रुपये का नुकसान क्यों दिखा रहा है, इधर 85 दिखा रहा है, नेट में 334 दिखा रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है ये? सर ये एवरेज वाला होगा, बाद में अपने बाई सेल कुछ किया होगा। ये आज हाँ ये कैरी फॉरवर्ड है मेरा। तो ये क्या हुआ सर, ये डेज प्रॉफिट लॉस मतलब आज का है, और टोटल आज जो प्रॉफिट है वो नेट ये वाला जो है ना ये टोटल करके। अच्छा ये नेट में है, नेट में मैं 97,000 प्लस में हूँ, लेकिन अगर मैं कल की क्लोजिंग से देखता हूँ तो ये 275,000। अच्छा तो कल की क्लोजिंग में मेरे को 275,000 प्लस थे मेरे, है ना? 370। अच्छा 370 प्लस थे अगर कल के वो देखता हूँ तो, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, कल जो बाजार बंद हुआ था वहाँ से नीचे खुला तो मुझे इतना नुकसान है। हाँ लेकिन नेट मेरा यहाँ यहाँ प्लस में है ना जी। अब वहाँ से कैलकुलेट किया जो आज, अब देखिए आप पहले यहाँ से प्रॉफिट में थे जब अपना चार्ट देखा, मतलब हाई में ऊपर अब गिव डाउन हुआ। कोई बात नहीं, इसको ठीक करता हूँ। मैंने आप लोगों को क्या बात कही थी, ये नुकसान देगा ना इंट्राडे में तब भी मेरा प्रॉफिट होगा, मैं यही बात कहना चाहता था। अपनी पोजीशन इस जगह से बनी हुई है, वहाँ या इंट्राडे में तो नुकसान दिखा रहा है, मेरा बहुत नीचे से पोजीशन है, 1,00,000 रुपये मेरे को प्रॉफिट पहले से ही है, नेट में मैं प्रॉफिट में बैठा हूँ नुकसान होने के बावजूद भी। और आज के में जो डेली अपना फॉर्मूला बनता है उसके हिसाब से 3,00,000 रुपये आई रहे, वो तो मैंने 1,800 क्वान्टिटी निकाल दी, ये तो 7,00,000 पे जाता। हाँ जी हम सभी लोगों के लिए वो क्वेश्चन है कि लगातार ऐसे हो रहे थे सुबह से, 3-4 ऐसे हो गए और आप बिल्कुल एकदम फुल कॉन्फिडेंस में थे, और ऐसा नहीं है कि केवल हम ही लोगों की तो छोटी छोटी क्वांटिटी थी, आपकी बहुत बड़ी क्वांटिटी थी, उसके बाद भी आपके चेहरे पे इतनी सी भी शिकन नहीं थी, मतलब कुछ घबराहट भी नहीं थी, उसके पीछे की क्या थ्योरी हम लोग के अंदर वैसा कॉन्फिडेंस? वो तो प्राणायाम ये योगा तो हम लोग करेंगे ही, अभी तो यही चल रहा है, मगर वो ऐसा फॉर्मूले के प्रति समर्पण कैसे आए, मतलब वो इसके लिए कुछ बोलिए प्लीज़। क्योंकि मैंने इसमें अब 14 साल लग गए मेरे टोटल, मैंने हर तरीके से इसको ठोक बजा के देखा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो सिस्टम मैंने बनाया ना, जो टेक्निकल लोग पढ़ते हैं टेक्निकल, मैंने जो पकड़ा है वो ट्रैप पकड़ा है, और मैंने साइकोलॉजी पकड़ी है, मैं सिर्फ साइकोलॉजी के बिहाफ पर ट्रेड करता हूँ। ये ट्रेडर की साइकोलॉजी है, मुझे पता है कहाँ से घूमेगी। आप लोग टेक्निकल देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो हैमर फेल हो रहा है, मैं हैमर फेल नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि साइकोलॉजी क्या है, पीछे से क्या चल रहा है, वो उसको पकड़ रखा है, बैक टेस्ट किया है, हर हाल में वो प्रॉफिट दिखाता है। अब क्या है, आपका अभ्यास कम मेरा अभ्यास ज़्यादा, मैं बाजार बंद होने के बाद भी आज भी आधा घंटा देता हूँ कि कहाँ पर इसने गड़बड़ करी है। ये 99.9% एक्यूरेसी में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं बैक टेस्ट करता हूँ आज भी, और कोई भी उसमें त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, फिर उसको करेक्ट कर देता हूँ। और जब बार बार मैं देखता हूँ कि यार मेरा फॉर्मूला तो काम कर ही रहा है, और मैं उस पर अडिग रहता हूँ और उस पर बार बार प्रॉफिट ले लेता हूँ, तो फिर मुझे टेंशन ही नहीं होती। तो आपको भी यही करना, बार बार आपका एसएल जाता कोई दिक्कत नहीं, नुकसान होता कोई दिक्कत नहीं, उस पर अडिग रहो, एंड ऑफ द डे जब आपको प्रॉफिट आने लगेगा तो आप भी 15 से 20 दिन के बाद आप खुद टेंशन फ्री होकर बैठोगे, कहोगे कि ये बाजार मुझे नुकसान दे ही नहीं सकता, प्रॉफिट ही देगा। ये उस पर बने रहो, उसको हम लोग की तो सर रातें खराब हो जाती बाजार देखते देखते। तोड़ा क्या वो, उन्होंने भी कहा था ना, सर ने भी कहा था ना, विठल है आप, क्या नाम है आपका, विठल, हाँ, इन्होंने क्या बोला था कि जब जब बाजार लो के पास में हो
तो उसको टच करता ही करता है। मैंने क्या कहा था, टच कराओ तो सही। जी टच हुआ क्या? नहीं, नहीं हुआ। वो नहीं हुआ, वो होगा भी नहीं।